गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट में जो हम लोग आज बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द थ्रू द इलेक्ट्रिक करेंट। देखो, इससे पहले वाला जो फिजिक्स का चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थी उसमें आपने पढ़ा था कि जो करंट होता है, करंट तीन तरह के इफेक्ट को रिलीज करता है, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट, पहला कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा जो ये इफेक्ट रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट। दूसरा जो ये इफेक्ट रिलीज करता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और तीसरा जो ये इफेक्ट रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये तीन तरह के इफेक्ट के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाला जो प्रीवियस चैप्टर फिजिक्स का था उसमें बताया था। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हीटिंग इफेक्ट कहने का मतलब होता है कि जब हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो हीट करेगा और इस कारण से वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपका फ्यूज़ है, बहुत सारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे रूम हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट, जिसको मैंने आपको डिटेल में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें समझाया था। दूसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। जैसे मैंने आपको, आपने जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें जो आपका सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसमें मैंने बताया था कि वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर को दो भागों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कुछ सब्सटेंसेस में केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ देखो आपने वाटर लिया और वाटर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि दो नए सब्सटेंस बने। और आपको मैंने बताया है कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल इफेक्ट भी रिलीज करता है। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, पास थ्रू एनी कंडक्टर, देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसे आप ऐसे समझो, मान लो आपने एक आयरन का नेल लिया, ठीक है, और इस आयरन के नेल के चारों तरफ छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स आपने रख दिया और इसके ऊपर एक नेकेड कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर को एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं ये तुम्हें दिखेंगे कि ये चिपक रहे हैं, और जैसे ही आपने इन वायर को यहाँ से हटाया तो ये पार्टिकल फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो जब हम करंट पास कर रहे हैं ये आयरन पार्टिकल्स चिपक रहे हैं, मतलब आपको मालूम है कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन पार्टिकल को अपने से अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम करंट पास कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। यदि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था तो क्या यह आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, नहीं। यदि यह आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि द कंडक्टर इज शोइंग द मैग्नेटिक इफेक्ट और नॉट, ठीक है।
तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गया। लेकिन सवाल एक चीज़ और एराइज हो गया कि मैग्नेट क्या होता है, कि मैग्नेट किसे कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट ऐसा कोई सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंटेनिंग सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता हो या जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेट, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट और रिपेल, एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट और रिपेल सब्सटेंसेस which have magnetic property, which have magnetic property, which have magnetic property, जिसमें magnetic property present हो। तो ऐसा कोई substance जिसमें magnetic property present होगा, so उसको attract या repel करता है, तो ऐसे substance को हम magnet करते हैं। अब सवाल ये है कि magnetic property substances हैं कौन से, जैसे कि आपका आयरन, स्टील, क्रोमियम, निकल, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो इन्हीं सब्सटेंसेस को यदि अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेट करते हैं। अब इसे आप ऐसे समझो, आपके घर में यदि मैग्नेट होगा, आप एक मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाओ तो वो मैग्नेट आयरन को चिपका लेगा। लेकिन यदि आप एक मैग्नेट को लेकर एल्युमिनियम के बर्तन के पास जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि कुछ ही सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है और उसको जो अट्रैक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेट। अब एक बात समझो, आप यदि स्कूल में लैब होगा आपके, तो आप लैब में जाओ तो वहाँ पर आपको बार मैग्नेट देखने को मिलेगा। सवाल यह है बार मैग्नेट क्या होता है। ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट जिसकी थिकनेस सभी जगह पे इक्वल हो, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट जिसकी थिकनेस सभी जगह पे इक्वल हो और नॉर्थ और साउथ पोल उस पर मेंशनड हो। तो ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट हैविंग इक्वल थिकनेस कंटेनिंग पीस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज बार मैग्नेट, ठीक है। तो इनमें इनकी थिकनेस क्योंकि यूनिक है, ठीक है, इनकी थिकनेस हर जगह बराबर होती है, तो ऐसे पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट को हम बार मैग्नेट भी कहते हैं। तो आप बार मैग्नेट को आप पहचान सकते हो, यदि आपको लैब में कहीं बार मैग्नेट देखा हुआ मिल जाए तो आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्लियर हो रहा है बार बार कि मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बार मैग्नेट में मैंने कहा कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा, तो कोई भी मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट के अंदर दो पोल जरूर होंगे, वन पोल इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेट कितना छोटा कितना बड़ा मैग्नेट हो, सभी में अपोजिट जो एंड्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल में डेवलप्ड होते हैं। अब इन पोल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी है। तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट की यदि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक मैग्नेट में दो पोल जरूर होगा, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि व्हेन सिमिलर पोल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, they will repel each other, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए
नॉर्थ पोल है दूसरा भी नॉर्थ पोल आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ है दूसरा भी साउथ आ गया तो एक दूसरे को रिपेल। मान लीजिए आपके पास दो बार मैग्नेट आ गया, ये साउथ है, दूसरा मान लीजिए एक बार मैग्नेट और आप इसके नज़दीक लाते हैं और ये भी साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों पोल्स को आप जब नज़दीक लाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, ये दूसरे को चिपकने नहीं देंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स पड़ रहा है या नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है व्हेन डिससिमिलर पोल्स कम क्लोजर टू ईच अदर then they will attract each other, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब सवाल ये है मैग्नेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि ये तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, ये हो गया। अब जो हम बात करेंगे वी विल टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के एक पर्टिकुलर स्पेस या एक एरिया होता है जिसमें वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। मान लीजिए एक किलोमीटर कोई मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पर कोई एक छोटा सा आयरन का पार्टिकल है तो उसको चिपका नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसके पास यहाँ पर एक आयरन का पार्टिकल है तो ये चिपक जाएगा इससे। तो जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट की जो सराउंडिंग्स होती हैं, ये सराउंडिंग जो है जो सराउंडिंग या एरिया जिसमें उसके इफेक्ट को उसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पेस और एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको द स्पेस और सराउंडिंग और एरिया इन विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट पर्टिकुलर स्पेस और एरिया और सराउंडिंग इज कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वो एरिया है जिसमें इस मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो ये जो इफेक्ट अपना शो करता है ये इफेक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू शो करता है। किसके थ्रू करता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू शो करता है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहाँ तक होंगे उस एरिया में इस मैग्नेट का इफेक्ट आपको एक्सपीरियंस होगा, और जहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे वहीं पे इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब एक नई चीज़ आ गई कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते क्या है, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते क्या है। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं, मतलब ये आपको दिखाई नहीं देंगे बट यू कैन ईजिली एक्सपीरियंस देम। सो दे आर द हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्सेस विच ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मर्जेस इनटू साउथ पोल। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से राइज होंगे और साउथ पोल में जाकर एंड हो जाते हैं। तो ऐसे कोई हाइपोथेटिकल लाइंस जो होंगे
उन हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब सवाल ये है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक, इसे आप यदि ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, एक ए फोर साइज पेपर ले लो या कोई एक पेपर ले लो, उस पेपर पे एक मैग्नेट रख दो बीच में और उसके चारों तरफ आयरन के पार्टिकल स्कैटर्ड कर दो। थोड़ी देर के बाद क्या दिखाई देगा, जो इसके नज़दीक थे वो तो आयरन पार्टिकल इससे चिपक गए, जो दूर होंगे वो तुम्हें क्या दिखाई देंगे कि इस तरीके से वो इधर और इधर से आकर ऐसे लाइंस में अरेंज हो गए। तो पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो गए, तो ये वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जिन पे ये आयरन पार्टिकल आकर यहाँ पर, क्योंकि ये फोर्स हैं तो इस रिजल्टेंट फोर्स पे आकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके के ये अरेंज जाएंगे जिससे ये दिखाई तो दे नहीं रहे लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स जो है यहाँ पे आके अरेंज हो गए, तो इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है और ये फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, दे आर द हाइपोथेटिकल लाइंस विच आर अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मर्जेज इन टू द साउथ पोल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो तो यहीं पे आपका क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं दे विल अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस इनटू एंड एंड्स इनटू साउथ पोल। वो अराइज करते हैं नॉर्थ पोल से और एंड करते हैं साउथ पोल में। ठीक है, तो ऐसे हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। इसका कहने का मतलब क्या है पहले इसे समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ कहा था कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का केवल एक डायरेक्शन होता है, ये आपको मालूम होगा, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का एक डायरेक्शन होता है फोर्स का। तो यदि मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है मान लीजिए एक, ये मान लीजिए एक दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है और ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे हम दो डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है और रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका केवल एक डायरेक्शन होता है। तो क्योंकि सिंस द रिजल्टेंट फोर्स हैज ओनली वन डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर द रिजल्टेंट फोर्सेज, सो एट वन पॉइंट ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल। इफ मोर देन वन डायरेक्शन अराइजेज और मोर देन वन डायरेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ द टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट विथ ईच अदर देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द टू डायरेक्शन कैन बी इंडिकेटेड विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपको मैंने कहा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो एक रिजल्टेंट फोर्स है और रिजल्टेंट फोर्स का ओनली वन डायरेक्शन होता है, ओनली वन डायरेक्शन होता है एट ए पॉइंट, हर एक पॉइंट पर केवल एक डायरेक्शन होता है। अब मान लीजिए एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है और एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, ये दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से आप देखो तो आप इधर भी डायरेक्शन शो कर सकते हो, इधर भी डायरेक्शन शो कर सकते हो, और रिजल्टेंट फोर्स का केवल एक डायरेक्शन होता है और यहाँ पर इस पॉइंट पर कितने डायरेक्शन हो गए, दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इसीलिए दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं वो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स का केवल एक डायरेक्शन होता है एक पॉइंट पे, और यदि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो हो जाएगा, जो कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? तीसरी बात है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट के किसी जगह पे जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हमने ये एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, नॉर्थ से राइज होते हैं और साउथ में मर्ज होते हैं, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप ड्रॉ करो उनमें डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का याद रखें। अब मान लीजिए मैग्नेट से मैंने एक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ लिया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ भी लिया, तो मैग्नेट से दोनों के डिस्टेंस मान लीजिए सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर इस एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा एज कम्पेयर टू दिस प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं उनकी डेंसिटी जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अब आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, तभी आप आगे जवाब दे सकते हो। काफ़ी एग्जाम में जब 10 ईयर्स की क्वेश्चन उठाए हैं तो उसमें आप देखोगे 6 से 7 साल में पूछा गया है कि वाई द 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो इतना अच्छे से देख लेना, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप तुरंत लिखकर मुझे बताइए, ठीक है। मुझे आप मैसेज दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। यदि कोई मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, मैं ऑडियो में ही आपको जवाब दे दूंगा ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। थैंक यू।